नेक्स्ट क्वेश्चन uh, 2010 का सवाल है क्वेश्चन सेज अ स्प्रिंग हैज़ अ सर्टेन मास सस्पेंडेड फ्रॉम इट एंड इट्स पीरियड ऑफ वर्टिकल ऑसिलेशन इज टी द स्प्रिंग इज नाउ कट इनटू टू हाफ्स एंड द सेम मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन ऑफ द हाफ्स सवाल ये पीरियड ऑफ द वर्टिकल ऑसिलेशन क्या होएगा ऑप्शन है टी बाय टू या टी बायट टू या फिर रूट टू टी या टू टी अगेन सिंपल सवाल है बेसिक्स पर जाएगा सिचुएशन uh, ये है कि ये आपकी एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के इसका इसके ऊपर हमने मास लटकाया हुआ है और इसकी लेंथ ऐल है उसके बाद हमने क्या किया स्प्रिंग को कट किया और इस स्प्रिंग की लेंथ अब एल बाय टू रह गई के इसका के डैश हो जाएगा और सेम मास हमने यहाँ लटका दिया तो पहले केस में हम करेंगे टाइम पीरियड को हम लिखेंगे टू बायर उड एल बाय के सॉरी एम बाय के यह आपका टाइम पीरियड आएगा सेकंड केस में जब हमने ये किया है तो हम इसका टी टू जो टाइम पीरियड है टी टू उसको लिखेंगे टू पाई अंडर रूट एम डिवाइडेड बाय के डैश बस हमें के डैश की वैल्यू पता होने की ज़रूरत है अगेन अगर आपके एन में और एस में भी हम इसको डिस्कस करते हैं कि अगर हमने किसी स्प्रिंग को हाफ कर दिया है तो उसका जो के डैश होएगा आ, के डैश वो हो जाएगा आपका टू के उसके के का हम इसको कहते हैं कि कितना ढीट है वो स्प्रिंग उसका ढीट पर ना डबल हो जाएगा सो तो उस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो आपका टी टू है ये हो जाएगा टू पाई अंडर रूट एम डिवाइडेड बाय टू के ना इसको हम लिख सकते हैं तो टी टू विल equal इक्वल टू वन बाय रूट टू टाइम्स टी बिकॉज ये टू पाए एम बाय के आपका टी बन जाएगा सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी टी बाय रूट टू वुड बी द राइट आंसर